नमस्कार, ये है नारी शक्ति। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, रोटी, कपड़ा और मकान, ये इंसान की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर हम गुजरे जमाने की ओर चलें तो पाते हैं कि इन तीनों के पूरा होते ही इंसान सुखी होता था, संतुष्ट होता था। लेकिन बदलते समय के साथ उसके संतोष और सुख का विषय बदलता गया, दायरा बढ़ता गया और पहचान की एक प्यास हर इंसान के भीतर जागी। और पहचान की ये प्यास ही थी जिसने उसका विकास किया। अलग अलग रास्ते उसने तय किए, नई मंजिलें उसने तय कीं, नए मुकाम हासिल किए। पहचान की इसी प्यास के पीछे महिलाओं ने भी सफ़र तय किया और अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश किया और अपनी उपस्थिति ही नहीं दर्ज की बल्कि सफलता की नई कहानियाँ उन्होंने कहीं। उसी तरह से एक क्षेत्र है प्लास्टिक इंजीनियरिंग का, उसकी टेक्नोलॉजी का, जिसमें आज महिलाएं प्रवेश कर रही हैं और बहुत अच्छा उसका मुकाम हासिल कर रही हैं, सफल हो रही हैं। आज इसी विषय पर बातचीत के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है रश्मि वर्मा जी को। आप सीपेड भोपाल में सूचना और प्रलेखन अधिकारी हैं। रश्मि जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तो मैं यही करना चाहती हूँ, बाकी की जानकारी शुरू हो उसके पहले, इस सीपेट का एक छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों के लिए रखें। सीपेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संस्थान है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स जी और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है। जी, तो यहाँ पर हम प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न एरियाज़ में जी इंजीनियरिंग जो कि प्लास्टिक की बनावट करती है जी उसके बारे में पूरी ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। उसी के साथ साथ और दूसरे भी पहलू हैं इस संस्थान के जो हम आपको बताएंगे जी, लेकिन सीपेट का जो मेन उद्देश्य है वो है प्लास्टिक इंडस्ट्री को मैन पावर सप्लाई करना। अच्छा जी, तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये किस तरह से काम करता है, ये प्रशिक्षण किस तरह से होता है, किस तरह से कोर्स हैं आपके? हमारे यहाँ पर जो भोपाल में सेंटर है जी, भोपाल केंद्र में यहाँ जो जेके रोड पर है ये जी, और इसमें तीन कोर्सेज होते हैं, ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है 10वीं पास। अच्छा। और एक कोर्स होता है जिसमें हमें BSc चाहिए होता है केमिस्ट्री के साथ में। अच्छा। तो BSc के साथ वाला जो कोर्स होता है वो कहलाता है PGD PPT। अच्छा। PPT मीन्स प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक में डिप्लोमा, जो BSc केमिस्ट्री के साथ होता है जी, उसके बाद में होता है। DPT DPMT दो कोर्स होते हैं जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है 10वीं पास। अच्छा। और इसके द्वारा आप एग्जाम देकर, इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जो साल में एक बार होता है। ये तो होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म कोर्सेज। अच्छा। लॉन्ग टर्म कोर्सेज मतलब दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो जो DPMT कोर्स होता है जी, और DPT कोर्स होता है, ये 3-3 साल के कोर्स होते हैं। अच्छा। इसमें जैसा कि 10वीं पास तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन यदि कुछ बच्चे, बालिकाएं, महिलाएं जिन्होंने 10वीं पास करके 12वीं भी कर ली है तो वो भी इसमें आ सकते हैं। अच्छा। प्रवेश ले सकते हैं। तो आपने कोर्स के बारे में हमें बताया, और भी आगे कोर्स के बारे में विस्तार से हम जानेंगे जी। किसी भी कोर्स की जब बात होती है तो कुछ सवाल मन में आते हैं, कुछ उसके मापदंड होते हैं, उसके आधार पर ही उस कोर्स में आप प्रवेश कर पाते हैं। तो पहली जो जिज्ञासा है मेरी वो ये है कि इस कोर्स में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? जी, DPMT और DPT कोर्स जो होते हैं उसमें 10वीं पास होना आवश्यक है, जैसा अभी मैंने बताया जी। था 10वीं में कुछ ऐसा गणित या साइंस हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आप DPMT और DPT के लिए लेटरल एंट्री कोर्सेज भी होते हैं उसमें फिर 12वीं होना ज़रूरी होता है, उसमें विज्ञान और गणित सब्जेक्ट ज़रूरी होता है जी। ऐसे ही जो PGD PPT कोर्स होता है जो कि BSc के बाद होता है, तो BSc में वे महिलाएं, वे बच्चियां, वे लड़कियां जिन्होंने साइंस केमिस्ट्री के साथ पास किया है, रसायन शास्त्र के साथ जी, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अच्छा। और ये कोर्स 1.5 साल का होता है। अच्छा।
अच्छा, मेरे मन में एक सवाल ये था कि कई बार महिलाओं की पढ़ाई ग्रामीण इलाके में छूट जाती है, जी तो जो महिलाएं 10वीं से भी कम पढ़ाई की हुई है, मान लीजिए किसी ने 8वीं तक की पढ़ाई की हुई हाँ है, हाँ तो उसके लिए कोई गुंजाइश बनती है? बिल्कुल, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, और यदि हमारी महिलाएं इसका लाभ ले सकें तो ये बहुत ही एक जागरूकता की बात होगी कि हमारे यहाँ पर VTC कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जी इसके अंतर्गत 8वीं पास महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। 8वीं जिन्होंने पास किया हुआ है वो भी इसमें आ सकती हैं, और ये कोर्स होते हैं सिर्फ 6 महीने और 3-3 महीने के। जी इन कोर्सेज में अच्छी बात यह है कि इसमें आपको सारी जो प्रशिक्षण की पद्धति है, जो सुविधाएं हैं, जी जिसमें रहना, प्रशिक्षण, खाना पीना, उनको जो सामग्री दी जाती है, जो पाठ्य सामग्री प्रदान की जी जाती है, वो सब कुछ निशुल्क दिया जाता है। अच्छा तो ये ज़्यादातर आवासीय कोर्स भी होते हैं जिसमें रहने की सुविधाएं भी, हमारे यहाँ पर बालिका छात्रावास हैं और वहाँ पर रह के छात्राएं पढ़ाई करती हैं। अच्छा, अब दूसरे सवाल की तरफ चलें, किसी भी कोर्स में अगर आप प्रवेश चाहते हैं तो आयु सीमा भी एक बात उसमें होती है, तो किस उम्र तक इसमें प्रवेश पाया जा सकता है? देखिए, हम जैसा कि अभी बात की हमने कि जो VTC के कोर्स हैं और 8वीं पास या 10वीं पास जो महिलाएं हैं जी उनके लिए जो 3 महीने और 6 महीने के कोर्सेज होते हैं हमारे यहाँ, उनके लिए आयु सीमा है 18 साल से लेकर के 33 साल तक। अच्छा ये 18 से 33 साल तक की आयु सीमा होती है OBC और SC कैटेगरी के लिए। जी ऐसे ही जो सामान्य है या जो ST कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 18 से 28 वर्ष तक की आयु होती अच्छा तो ये आपने आयु सीमा की बात की। है। जी अच्छा, मेरे मन में एक बात और थी कि आरक्षण भी है क्या महिलाओं के लिए? हाँ, हमारे यहाँ ऐसा है कि कोर्स तो सभी के लिए ओपन है, छात्र छात्राएं सभी इसमें आते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि कम से कम 10 से 15% महिलाएं, लड़कियां, बालिकाएं तो इसमें होनी ही चाहिए, और मैक्सिमम तो कोई लिमिट है ही नहीं। और जैसा आप जानते हैं कि आजकल जी महिलाओं ने हर क्षेत्र में इस तरह से अपने कदम रखना शुरू किए हैं कि वहाँ पे हम आरक्षण में कोई मैक्सिमम लिमिट लगाएं तो ये बैरियर तो ठीक नहीं होगा जी जी उनके जी लिए। तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि उम्र भी 33 साल तक आप इस कोर्स में प्रवेश कर सकती हैं महिलाएं। और अक्सर होता ये है कि शादी के बाद बच्चे हुए तो बच्चे अगर 6-7 साल के हो गए हैं, 8 साल के हो गए हैं, उसके बाद महिलाएं कुछ खाली होने लगती हैं, तो उस समय का सदुपयोग इस तरह से वो कर सकती हैं इस कोर्स में प्रवेश लेकर, और एक नया भविष्य अपना वो देख सकती हैं। तो रश्मि जी, एक सवाल मेरे मन में ये था कि कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है इसका? हाँ, जो हमारे लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं, जो 3 साल का और 1.5 साल का कोर्स है, जी जो 10वीं पास और BSc पास के बाद में है, इसके लिए हमारे यहाँ सालाना एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, प्रवेश परीक्षा होती है, जो कि जी साधारणतः जुलाई में होती है। अच्छा और इसके अलावा जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, जो 3 महीने और 6 महीने वाले होते हैं, ये तो हमारे यहाँ पूरे साल भर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते चलता रहते है हैं। जी इसके लिए हम महिलाओं को कहेंगे कि वे हमारे केंद्र में आएं और पता करें, ताकि जिस भी समय अवधि में उनको उचित लग रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ, ये समय में मैं अपना 6 महीने का टाइम निकाल जी पाऊंगी या जी 3 महीने का टाइम निकाल पाऊंगी, तो उस समय में वो आकर के उसमें शामिल हो सकती हैं। उसके लिए थोड़ी सी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो आप आएँ, वहाँ एक फॉर्म भरना होता है, जी वो सब आप करके चले जाएँ, और तो फिर हमारे यहाँ से खुद फॉलो अप करते हैं, कॉल करते हैं, उन्हें बताया जाता है कि आपने इस समय के लिए इस प्रशिक्षण में, इस कैटेगरी में भाग लिया था, तो आप आएँ और ये कोर्स शुरू होने वाला है। और अगर ये एंट्रेंस चूक जाए कोई महिला तो फिर क्या उपाय हो सकता है? साल में एक बार ही होता है आप कह रही हैं? हाँ, देखिए, दो तरह के कोर्स हैं हमारे जी यहाँ, LTC VTC, जी लॉन्ग टर्म कोर्सेज, जिनका कि साल में एक बार प्रवेश परीक्षा होती है। जी इसमें यदि कोई चूक गया है तो अब उनके लिए एक और सुनहरा अवसर बिल्कुल सामने खड़ा है जी कि यदि कोई 12th पास है जिसमें उनका साइंस हो, गणित हो, जी तो वो DPT और DPMT जो 3 साल के कोर्स हैं हमारे, उसमें लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट
सेकेंड ईयर में प्रवेश ले सकते हैं, तो उनका इससे एक साल बच जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। बिल्कुल। हमारी बातचीत प्लास्टिक इंजीनियरिंग और उसकी टेक्नोलॉजी में प्रवेश के कोर्स को लेकर हो रही है। महिलाओं के किस तरह के अवसर इस क्षेत्र में हैं ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये है नारी शक्ति कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सीपेट में महिलाओं के लिए अवसर के विषय पर, और हमारे साथ बातचीत के लिए विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हैं रश्मि वर्मा जी। रश्मि जी, एक सवाल और मेरे मन में था कि ये जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग का काम है, इसकी एक प्रक्रिया होती है ना, क्योंकि कोई चीज़ आपको बनानी है, कोई आइटम बनाना है। प्लास्टिक तो जीवन में इतनी जगह उसका दखल है कि ये एक हुनर है, कौशल विकास से भी जाकर जुड़ता है। तो क्या प्रक्रिया होती है इसे बनाने की? बिल्कुल, आपने एक ऐसा सवाल किया है कि जो हमारी महिलाएं इसमें रुचि रखती होंगी तो वो बेसिक से जान पाएंगी कि प्लास्टिक के क्षेत्र में शिक्षा किस तरह से होती होगी, क्या होता होगा। यदि हम सामान्य तौर पर देखें और प्लास्टिक के बारे में सोचें और बहुत ग्रामीण परिवेश की तरफ से भी सोचने लगे तो हमारे दिमाग में आता है कुछ प्लास्टिक की चेयर्स, सोफा, टेबल, कुर्सियाँ, बाल्टी, मग्गे, जो कि रोजाना हर जगह, चाहे वो ग्रामीण परिवेश हो चाहे शहरी परिवेश हो, हर जगह ये तो काम में आता ही है। लेकिन हाँ, ये बनता कैसे होगा? तो जब आप वहाँ पे प्रवेश करते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल शुरुआत से, मतलब प्लास्टिक के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसका जो वर्जिन मटेरियल होता है, जो जिस तरह का मटेरियल, जिस तरह की सामग्री में बनाने में यूज़ किया जाता है, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी जाती है। उनको बेसिक से ये पढ़ाया जाता है कि ये किस कॉम्बिनेशन से प्लास्टिक बनता है, क्या है, ये सारा कुछ उनको बताया जाता है। और उसके साथ साथ में फिर उसका स्टेप वाइज, जी, जिसको कहते हैं चरणबद्ध, हाँ, चरणबद्ध तरीके से उसका एक संयोजन किया जाता है। और उसी तरह से हमारे कोर्स भी बने हुए हैं। तो अभी मेरे साधारण तौर पे बताने से शायद ऐसा लगता होगा कि ये डीपीटी क्या है, ये पीपीटी क्या है, डीपीएमटी क्या है। तो जैसे डीपीटी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी, इसमें प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी किस तरह से बनाया जाता है कि टेक्निक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, जिसमें हमारी बहुत सारी प्लास्टिक बनाने की प्रोसेस होती हैं, जैसे ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस, एक्सट्रूजन प्रोसेस, और इन सारी चीज़ों को हम उनको सिखाते हैं। जैसे कोई एक बाल्टी बननी है तो वो एक अलग मोल्ड के साथ बनेगी, एक अलग प्रोसेस के साथ में बनेगी। पाइप बनने हैं तो वो अलग तरह से बनेंगे, अलग मशीनों पे बनेंगे, तो उन मशीनों की जानकारी, वो सब कुछ हमारे यहाँ होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी उन्हें दिया जाता है। ऐसे ही एक कोर्स होता है जो डीपीएमटी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टेक्नोलॉजी। जी, इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक को हमें, सपोज मैं बहुत साधारण भाषा में यदि समझाना चाहूँ तो हमको एक चेयर बनानी है जी, या कि हमको एक, चलिए, मग्गा बनाना है जी, जो बहुत सहजता से समझ में आता है जी। तो अब मग्गा आप कैसे बनाएंगे? उसका एक सांचा होगा, वो सांचा मतलब मोल्ड। अच्छा। वो मोल्ड टेक्नोलॉजी। तो अब आप उस सांचे को बनाएंगे तो वो सांचा किस चीज का होगा? अच्छा। तो वो जो सांचा होता है, मोल्ड होता है, वो एक लोहे की धातु का बना हुआ होता है। अब वो सांचा किस मेजरमेंट से कैसे बनेगा, ये सारी चीजें बताने के लिए उनको डिजाइनिंग सिखाई जाती है। अच्छा। तो वो डिजाइनिंग के थ्रू पहले डिजाइन करते हैं, वो मोल्ड कितना, किस साइज का बनना है, छोटा बड़ा, क्या साइज आपको रखनी है, वो एक ढांचा बनता है। और उस मोल्ड के सहारे फिर प्लास्टिक प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है। अच्छा। फिर इसके बाद जब वो चीज़ बन चुकी है तो उसका क्वालिटी चेक होता है कि ये प्लास्टिक जो बना है ये आपके लिए कितना सुदृढ़ है। अच्छा। कितना सही है, कहीं ये जल्दी खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये क्रैक तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सही माप तौल के साथ में बनी है कि नहीं के लिए क्वालिटी कंट्रोल होता है। अच्छा। तो फिर हमारा टेस्टिंग डिपार्टमेंट आता है।
तो जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है बीएससी वाला कोर्स है वहाँ पे फिर ये क्वालिटी चेक भी सिखाया जाता है। डीपीटी के स्टूडेंट को भी ये सिखाया जाता है। मोटे तौर पे सबको सब कुछ ही सीखना होता है, बट जो अलग अलग कोर्स होते हैं उनकी अलग अलग थोड़ी सी एक अलग विधा होती है जो उनको पढ़नी होती है। तो मतलब वो उस विधा के एक्सपर्ट हो जाते हैं, उस विधा के एक्सपर्ट हो जाते हैं कि जो डीपीएमटी के स्टूडेंट है तो वो लोग मोल्ड बनाने में, वो लोग सीएनसी मशीन होती है जिन पे इनका काम किया जाता है, जहाँ मोल्ड तैयार होता है, ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, लेथ मशीनें होती हैं जिन पे इनको काम करना होता है, तो उनको उस पे जाना होता है। जो डीपीटी कोर्स वाले होते हैं वो प्लास्टिक प्रोसेसिंग की जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें होती हैं, एक्सट्रूजन की मशीनें होती हैं, ब्लो मोल्डिंग की मशीनें होती हैं, जो कि सौभाग्य से हमारे संस्थान में उपलब्ध हैं और इस पे बच्चे जो हैं सारा सामने ही प्रैक्टिकल करते हैं और सीखते हैं। तो ये बहुत ही विस्तार से आपने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरी प्रक्रिया आपने समझा दी और जिस जिस चरण से होकर ये प्रोसेस गुजरता है उस चरण को एक विशेषज्ञता के तौर पर आपने कोर्स में डिज़ाइन कर लिया है, है ना। तो उस कोर्स को सीखकर या तो डिज़ाइनिंग में कोई लड़की या महिला जा सकती है या किसी प्रोसेसिंग में जा सकती है, इस तरह से आपने ये बताया। अच्छा, एक मन में बार बार मेरे ख्याल आता है कि प्लास्टिक जो है वो इतने आइटम्स उसके हम देखते हैं, प्लास्टिक के फूल भी हैं, वाटर बॉटल भी होती है, टिफ़िन बॉक्स भी होता है, डेली यूज़ में बहुत कुछ हम प्लास्टिक का प्रयोग में लाते हैं, तो ये जो डिज़ाइन है आप उसे सिखाते हैं या ये उनकी अपनी क्रिएटिविटी है, किस तरह से ये होता है? कुछ तो मापदंड तय होते हैं इनके। अच्छा। जैसे कोर्सेज होते हैं, कैडकेम कोर्स हो गया और कई नाम होते हैं उस तरह के कोर्सेज होते हैं, तो उनमें क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाइड होती हैं कि मतलब इस कोर्स के अंदर ये ही चीज़ें आपको सिखाई आएंगी, उनका एक तरीका होता है कि इस ग्राफ में यही आना है तो वो उसी में आता है, तो इस तरह से हर चीज़ होती है। और फिर नए नए एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, जैसा आपने कहा कि एक कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल इसमें R&D भी होता है, रिसर्च होती है, शोध होते हैं, इसके लिए हमारे अलग से और संस्थान भी हैं जहाँ विशेष तौर पर ये कार्य होते हैं। जी। तो ये बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको भी निखार कर महिलाएं सामने ला सकती हैं, उनकी एक अपनी कल्पना शक्ति है कि कोई प्रोडक्ट कोई फूल कैसा होगा, तो ये भी वो रख सकती हैं इसमें। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और था कि ये तो भोपाल में आपका संस्थान है, अगर कोई बाहर रहने वाला व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहे, कोई बच्ची या कोई महिला, तो वो किस तरह से उसका रहना होगा और कहाँ कहाँ इसकी ब्रांचेज हैं, ये भी एक ज़रूरी बात है जानने की। बिल्कुल, हमारे सीपेट संस्थान के पूरे भारत में 32 केंद्र खुल चुके हैं अब तक। अच्छा। जगह जगह हमारे संस्थान हैं, आप यदि हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। कुछ संस्थानों में BTech, MTech और PhD भी होती है, कुछ संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे शोध कार्य चल रहा होता है, वो R&D के होते हैं, कुछ अलग कोर्सेज चलाते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज चलाते हैं। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारा एक और सेंटर है, वो है ग्वालियर में। अच्छा, तो वहाँ भी महिलाएं जा सकती हैं। इसके अलावा रायपुर पहले मध्य प्रदेश में ही हुआ करता था, तो अब छत्तीसगढ़ में है, तो अब रायपुर भी जा सकते हैं, वो वहाँ भी हमारा केंद्र है। जी, और रहने के लिए हॉस्टल्स हैं? रहने के लिए हॉस्टल है। जी, तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि अगर महिलाएं इसमें रुचि रखती हैं, प्रवेश चाहती हैं, तो भोपाल, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये दो जगह हैं और रायपुर में भी आपकी जो ब्रांच है वो खुल रही है। तो आगे की चर्चा हम जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, ये है नारी शक्ति कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सीपेट में महिलाओं के लिए अवसर विषय पर, और हमारी विशेषज्ञ हैं रश्मि वर्मा जी। रश्मि जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का जो काम है, ये कहीं ना कहीं कौशल विकास से भी जाकर जुड़ता है और स्वरोजगार के अवसर देता है। तो एक बात मैं ये जानना चाह रही थी कि जो लोग इस कोर्स को कर लेते हैं फिर स्वरोजगार के लिए किस तरह से वो आगे बढ़ें, किसी भी रोजगार की शुरुआत में एक वित्त
एक प्रमुख तत्व होता है, दूसरी बात होती है अनुभव की कि किस तरह से इस काम को हम शुरू करें, तो इसमें आप किस तरह से मार्गदर्शन करेंगी? हमारे यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं उसमें यदि कोई महिलाएं यदि अपना स्वरोजगार डालना चाहती है जी तो बिल्कुल उसका स्वागत है और उसको वहाँ से भरपूर गाइडेंस मार्गदर्शन दिया जाता है। अच्छा, उसमें इवन ये भी है कि आपने कोर्स तो किया है जी, 6 महीने का कोर्स किया, अब आप जॉब पे चले गए, वहाँ जा कर के आपने कुछ सीखा समझा और आपको लगा कि हाँ ये चीज़ में अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा महारत हासिल हो गई है और अब मैं इसमें कुछ अपना कर सकती हूँ, तो वो स्वरोजगार डाल सकती हैं वित्तीय सहायता के लिए, और जो उसके अलावा जो मार्गदर्शन दिया जाता है उसके लिए वे हमारे केंद्र में आए, बात करें, आपको बराबर परामर्श दिया जाता है और हर स्टेज पे, और आप जितनी बार चाहें उतनी बार आपको मार्गदर्शन दिया जाता जी है। तो किसी भी तरह की कोताही नहीं है मार्गदर्शन में, जो भी रुकावट आती है, जो भी बाधा आती है, उसका समाधान केंद्र के द्वारा किया जाता है, इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे मन में थी कि इतने सालों से आपका अनुभव है इस केंद्र में, आप हैं इस इंस्टीट्यूट में, तो कुछ लोगों को आपने बढ़ते हुए भी देखा होगा, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से? महिलाओं को लेकर तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ख़ास तौर पे जो मेरा अनुभव रहा है वो ये रहा है कि मैंने देखा है कि जो लड़कियां हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेकर के, क्योंकि ये एक तो नया सब्जेक्ट है, जब वो आती हैं तो उन्हें शुरुआत में समझ ही नहीं आता, मतलब छात्र छात्राओं दोनों के लिए है, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा, देखकर अच्छा लगा कि बच्चियां इसमें बहुत रुचि लेती हैं, आती हैं हमारे यहाँ, हर सेंटर पे बहुत अच्छी लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत अच्छी विषयों से संबंधित सब किस्म की किताबें हैं, तो वो आके पूछेंगी कि ये चीज़ हमें किस में मिलेगी, ये कहाँ मिलेगा, आप इसमें देख सकते हैं क्या, या एक्स्ट्रा टाइम आप हमें दे सकते हैं, तो वो हमारे यहाँ से थोड़ा सा ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, तो हम हर तौर पर ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आगे आएँ, स्वरोजगार प्लस रोजगार के साथ शामिल हों एक समाज के साथ में, तो हम उनको पूरी तरह से गाइडेंस देते हैं। और उसमें ऐसा हुआ है कि जो कुछ लड़कियां हैं वो इस समय, मतलब जो कुछ काफ़ी सालों पहले थी, वो आज बड़े बड़े शहरों में जी बहुत अच्छी कंपनीज में सीनियर मोस्ट जैसे क्वालिटी हेड के रूप में है काम कर रही हैं, बिल्कुल प्रोडक्शन मैनेजर हैं, क्या बात है, और कोई कोई तो वहाँ की हेड हैं जो सारा कुछ देखती हैं। और एक बहुत अच्छी बात मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि एक तो हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ बना होता है जी, और दूसरा वो इस बात का बहुत ख्याल रखती हैं कि और बच्चियों को और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, तो वो हमें कॉल करती रहती हैं कि और स्टूडेंट कब तैयार हो रहे हैं तो उनको आप हमारे यहाँ भेजिए, तो हमारे पास में रोजगार के अवसर भी उनसे हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि एक साधारण BSc करने के बाद सामान्य तौर पे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें, कुछ लोग BSc की तैयारी करते हैं, कुछ MSc करते हैं, फिर उसके बाद और कुछ भी करते हैं जी, लेकिन ये सारे कोर्स जॉब ओरिएंटेड नहीं होते बिल्कुल हैं। लेकिन हमारे यहाँ का कोर्स ऐसा है कि आप BSc करें, 1.5 साल का कोर्स करें, और 1.5 साल के कोर्स में भी आपके जो बाद के 6 महीने हैं उसमें तो हम आपको इंडस्ट्री में भेज देते हैं, आप वहाँ जाइए काम करिए, चाहे तो वहीं कंटिन्यू करिए और चाहे तो आप उस ट्रेनिंग पीरियड को छोड़ के आप कहीं और ज्वाइन कर लीजिए। तो हमने जो उनको एक शिक्षा दी थी, ये जो कौशल विकास में ही आता है, वो जो कौशल उन्हें दिया था वो हमें अब इस तरह से लौट के मिल रहा है कि वो तो हमें और ज़्यादा बच्चों को वहाँ ले जाती हैं, वहाँ जॉब के लिए उनको अवसर मिलते हैं, ज्यादा प्रोटेक्टिव तरीके से उनका ध्यान रखती हैं, तो ये सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगता है। और बहुत कभी कभी मन में ये आता है कि चलिए नारी होके महिला होके हम कुछ महिलाओं के लिए कर पा रहे हैं इसी के जरिए, तो भी एक बड़ी बात है। क्या बात है, तो आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई लड़कियां बड़ी पोस्ट पर हैं और आपके ही इंस्टीट्यूट में जो लोग पढ़ रहे हैं
उनको वो रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही हैं, ये बहुत ही सुंदर बात है। अच्छा, आप एक किसी कपल का जिक्र कर रही थी जब आपसे मुलाकात हाँ, हुई थी, वो मैं जरूर चाहती हूँ। ये तो एक बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है कि हमारे यहाँ पे दो ऐसे कपल आए, वो जो हमें बाद में पता चला, वो लोग शादीशुदा थे और दोनों ने अलग अलग 6-6 महीने के कोर्स में प्रवेश लिया और प्रवेश लेने के कुछ समय के बाद में पता चला कि हम लोग पति पत्नी हैं और हमने लव मैरिज किया था और हमको ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी शादी तो कर ली थी हमने लेकिन हमारे पास जॉब नहीं था कुछ और हमें अचानक इस कोर्स के बारे में पता लगा है और 6 महीने बाद अब वो जा चुके हैं और इंडस्ट्री में दोनों काम कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत खुश होके गए हमें बहुत अच्छा लगा इस बात का कि इस तरह की कई स्टोरीज होती हैं, कई किस्से हैं ऐसे कि जो हम सोचें तो तमाम बताने को रहेंगे। संतोष आता है। जो मूल बात है वो ये है कि हमें यूं अच्छा लगता है कि इस समय में जहाँ पर रोजगार मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, हमारे यहाँ अंदाजन 100% जॉब पे लोग चले जाते हैं। क्या बात है। तो रश्मि जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत विस्तार से, और हमारे स्टूडियो में आई, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, ये बातचीत थी कि सीपेट में महिलाओं के लिए किस तरह के अवसर हैं। उम्मीद है आप इससे ज़रूर लाभ उठाएंगी। और चलते चलते कुछ हेल्थ टिप्स नेचुरोपैथी से जुड़ी हुई। नेचुरोपैथी कहता है कि पानी, रोशनी, मिट्टी और हवा, इन चारों से रोज़ाना आपका टच, स्पर्श होना चाहिए। जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उन 5 तत्वों का स्पर्श बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही ये तो हम जानते ही हैं कि भोजन में कच्ची चीज़ों का प्रयोग हम ज़्यादा करें तो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन फल खाने की जो बात है, वो फल ज़्यादा फायदेमंद हैं जो ज़मीन से ऊपर फलते हैं और जो रसीले होते हैं, यानी जिनमें सूरज की रोशनी आती है और जो प्राकृतिक रूप से रस भरे होते हैं। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखने की है कि अगर आप नट्स का प्रयोग करते हैं तो नट्स को कभी भी गर्म करके ना खाएं। उनमें जो प्राकृतिक रूप से तेल है, बादाम हुआ, पिस्ता हुआ या काजू है, तो प्राकृतिक जो तेल है वो गर्म होने के बाद आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और आज की जो जानकारी थी उसका लाभ उठाइए। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न हो रहा है, लेकिन चलने से पहले आपको इस कार्यक्रम का पता ज़रूर बताएं ताकि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिख भेजें। हमारा पता है, कार्यक्रम ये है नारी शक्ति, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 4620013। और अब इजाज़त दें, नमस्कार।